हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरोट। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है कि आपको वेट करना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए अपने रिलेशनशिप से। ठीक है, ओके, ठीक है। हम इसको फिर डिवाइन से हम पूछना चाह रहे हैं कि आपको वेट करना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए। ओके ओके, ठीक है। ये वाला डेक चाहिए मुझे, मैं साइकिक टैरोट, दी साइकिक टैरोट। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती हैं, ये आप रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, और मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। ठीक है, वेट 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 वेट। ठीक है, हम चेक करते हैं कि आपको अपने रिलेशनशिप से वेट करना चाहिए, रिलेशनशिप में वेट करना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए अपने पर्सन का। टेक अ डीप ब्रेथ, रिलैक्स हो जाएं और मेडिटेट किया करें, हील हो जाएं, खुद को हील करें, फॉरगिव करें, ताकि आपकी लाइफ भी आगे बढ़े और सामने वाले की भी। ठीक है, आपको आपके रिलेशनशिप में वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए? प्लीज़ माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर को इस रिलेशनशिप में वेट करना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए। द वेटिंग गेम, ओके ओके, विक्ट्री एंड सक्सेस, बॉटम ऑफ द डेक, लेट्स सी। मेरे व्यूअर को इस रिलेशनशिप में वेट करना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए, प्लीज़ माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर को इस रिलेशनशिप में वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। बैलेंस, आपको बैलेंस बना के रखना चाहिए फिलहाल इस वक्त। ठीक है, टू की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है, कहीं ना कहीं आपको टू टू दिख सकता है, ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस। प्लीज़ माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए, मेरे व्यूअर को वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। रीऑर्गेनाइज एंड रिवॉर्ड, यूनिवर्स आपको रिवॉर्ड देगा। ठीक है, उस बात की फिक्र मत करें जो आपने टाइम इन्वेस्ट किया, जो आपने वर्क पुट ऑन किया, जो भी आपने प्रीशियस अपना टाइम दिया, वक्त दिया, और किसी भी तरीके से आपने इमोशंस अपने इन्वेस्ट किए। तो पेशेंस पेशेंस बैलेंस और पेशेंस, आपको मेन एडवाइस जो है पेशेंस और बैलेंस की है। रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन, आपको मौका मिलेगा रिजॉइस और सेलिब्रेशन का। मूव ऑन, यहाँ पे आया वेटिंग गेम, सेकंड आया मूव ऑन, हम क्लैरिफाई करेंगे। रिलैक्स, बेस चक्रा, ओके, खुद का बेस चक्रा को आप बैलेंस करें, खुद को हील करें, मेडिटेट करें। चॉइस वाइसली, चूज़ वाइसली, चूज़ वाइसली। ठीक है, और मेमोरीज ऑफ लव, फ्रंट ऑफ द डेक, पेशेंस एंड प्लानिंग, पेशेंस एंड प्लानिंग, मेमोरीज ऑफ लव, पेशेंस एंड प्लानिंग। हाँ, आपको अपने पार्टनर का वेट करना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए, उनको आपकी तरफ आ रहे हैं या नहीं, हम चेक करते हैं। देखें द वेटिंग गेम से, तो यहाँ पर मुझे जो लग रहा है, मैं पहले आपको थोड़ा सा इन कार्ड के बारे में बताती हूँ। द वेटिंग गेम से जो मुझे यहाँ पे लग रहा है, आपको अपने पार्टनर के लिए कुछ टाइम, इतना आपने वेट किया अपने पार्टनर के लिए, वेट करना चाहिए। ठीक है, मैं इसको अभी क्लैरिफाई करूँगी जो मुझे एक वाइब मिल रही है इस पूरी स्प्रेड से। सेकंड, बैलेंस रखें, वेट ऐसे नहीं करना आप इम्पेशेंट हो जाएं, आपको वेट करना है बैलेंस करके। ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस है आपके पार्टनर की पर्सनल लाइफ में भी हैं, आपकी तरफ आने के लिए भी हैं, कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में। ये बात सही है कि आप वेट कर करके थक चुके हैं, लेकिन रिजॉइस एंड रिवॉर्ड, आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा। पेशेंस रखें, ये पेशेंस का कार्ड है, देखें ये पेशेंस का कार्ड है, आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा, पेशेंस रखें। यहाँ पे सेलिब्रेशन आएगी, रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन, आपकी तरफ सेलिब्रेशन आएगी। मूव ऑन, मूव ऑन आपको सिचुएशन से नहीं करना, जो सिचुएशन चल रही है वो रिलेशनशिप से नहीं करना, सिचुएशन से करना है। मतलब कि थोड़ा सा अपनी लाइफ में आप बिज़ी हो जाएं, अपने ऊपर किसी और, अपनी लाइफ के पार्ट किसी और सेक्टर में आप थोड़ा सा उस वर्क पुट ऑन करें, जो अपने पार्टनर को आप सोचने में वक्त लगाते हैं
जो अपनी पूरी सिचुएशन को आप तोड़ते मरोड़ते रहते हैं, तो इतना मत सोचो उस रिलेशनशिप के बारे में। थोड़ा सा अगर आपके माइंड में अगर आप इसको सोचना छोड़ेंगे तो आपके लिए चीज़ें आसान होंगी। जो मुझे यहाँ से समझ में आ रहा है, जो मुझे एक वाइब मिल रही है, आपको कहते हैं ना गो विद द फ्लो रहना है। जो भी सिचुएशन है आपकी लाइफ की, उसको थोड़ा सा आप उससे स्पेस ले लें, अपने सेल्फ पे वर्क करें। आप बी पेशेंस मत हो जाएं, आप इम्पेशेंट मत हो जाएं। आप सोचें ये होना है तो क्यों नहीं हो रहा, अभी भी नहीं हो रहा, इतना टाइम गुजर गया। नहीं, किसी और जगह अपना वक्त दें, आप अपना इन्वेस्ट वर्क किसी और जगह करें। आप कोई टीचिंग कर लें, अगर आप कोई मैन है तो आप कोई और अपना इंटरेस्ट ढूंढें, अपनी जॉब के ऊपर ध्यान दें, अपनी प्रोग्रेस के ऊपर ध्यान दें, अपनी अचीवमेंट के ऊपर ध्यान दें। और अगर कोई आप लड़की हैं तो क्रिएटिव वर्क सीखें, कुछ ना कुछ सीखें, थोड़ा सा अपने आप को हील करें, इस जगह से निकालें जहाँ आप स्टक हैं। 2 नंबर इंपॉर्टेंट है, 1-1 नंबर इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर है, 14 नंबर है, 3 नंबर है, 3-3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1-7 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और 6 इंपॉर्टेंट है, 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके लिए ये नंबर्स आपको दिख भी सकते हैं, चेंज आएगा, लेकिन ऑब्स्टिकल्स हैं, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। जहाँ आपके मेमोरीज ऑफ लव 6666 है, यहाँ पर कोई 6 से आपका कनेक्शन हो सकता है, कोई डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, आपका बर्थ मंथ हो सकता है, या आप 6 पे किसी 6 डेट को मिले हो सकते हैं। क्लैरिफाई वेटिंग गेम। प्लीज़ माई जी सैन स्पीड गाइड मुझे बताइए, इनको अपने पार्टनर के लिए वेट करना चाहिए कि नहीं चाहिए। आपके पार्टनर के माइंड में क्या चल रहा है? वेटिंग गेम। आपके पार्टनर आपको क्यों वेट करवा रहे हैं? क्लैरिफाई वेटिंग गेम। प्लीज़ माइंड जी सैन स्पीड गाइड मुझे बताइए, यहाँ पर वेटिंग गेम का कार्ड क्यों आया है? मेरे व्यूअर के पार्टनर के माइंड में क्या चल रहा है? 10 ऑफ पेंटिकल। वो आपको वेट इसलिए करा रहे हैं, वो आपको कमिटमेंट प्रोवाइड करना चाहते हैं। ठीक है, बैलेंस, क्लैरिफाई बैलेंस। प्लीज माइंड जी सैन स्पिरिट गाइड मुझे बताइए, यहाँ पे बैलेंस का कार्ड क्यों है? क्लैरिफाई बैलेंस। मेरे व्यूअर के पार्टनर के माइंड में क्या चल रहा है, किस चीज़ में बैलेंस कर रहे हैं? क्लैरिफाई बैलेंस। ठीक है, आपके पार्टनर के माइंड में चल रहा है, वो अपनी लाइफ में बैलेंस करके आपसे कम्युनिकेट करेंगे। वो जिस भी सिचुएशन में है वहाँ से बैलेंस ला कर उस जगह, और आपसे कम्युनिकेट ज़रूर करेंगे, उनके माइंड में चल रहा है। क्लैरिफाई ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस। प्लीज माइंड जी सैन स्पीड गाइड, प्लीज माइंड सच सैन स्पीड गाइड, क्लैरिफाई ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस। देखें, उनको क्लैरिटी मिलती जा रही है, उनकी लाइफ में आप स्ट्रगल की तरह नहीं हैं, आप ऑब्स्टिकल की तरह नहीं हैं, आप किसी चैलेंज की तरह नहीं हैं। आप तो उनका साथ निभाने के लिए आएँ, आप तो उनको एक उनका उनका बैक बनने के लिए आएँ। ठीक है, वीक ऑर्गेनाइज एंड रिवॉर्ड। यहाँ पे है क्वीन ऑफ कप्स। उनको बहुत ज़्यादा आपसे हीलिंग वाइब मिलती है, मैं आपको कह रही हूँ। आप उनको समझने के लिए उनकी लाइफ में आए, उनको पैम्पर करने के लिए आए, आप उनको हीलिंग देने के लिए आए। उनको मदरली और केयरली नेचर आपका है, आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं। अगर आप कोई मैन है तो आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन देते हैं उनको, बहुत ज़्यादा आप उनका ख्याल रखते हैं, जैसे एक फादर फिगर लगता है। और गर्ल्स में है तो कोई लड़की है तो वो एक मदर की तरह केयर करती है अपने पर्सन की। उनको ये बात की क्लैरिटी मिल रही है। पास में उनको ऐसा लग सक उस ऐसा हो सकता है, उनको ऐसा फील किसी ने करवाया हो या हुआ हो कि आपके साथ रिलेशनशिप में आना और उनके लिए ऑब्स्टिकल्स बन जाएगा, एक चैलेंज बन जाएगा इस रिलेशनशिप को आगे चलाना या इस मैरिज को आगे चलाना। ठीक है, क्लैरिफाई था हमारे पास। रीऑर्गेनाइज 2 कार्ड से मैं नहीं लूँगी, रीऑर्गेनाइज एंड रिवॉर्ड। मैं क्लैरिफाई करती हूँ फिर मैं आपको बताती हूँ। वैसे आपकी सक्सेस करीब है। क्लैरिफाई, रीऑर्गेनाइज एंड रिवॉर्ड। प्लीज माई जी से स्पीड गाइड मुझे बताइए, यहाँ पे ये कार्ड क्यों आया? डेथ, एक न्यू बिगनिंग, एक एंडिंग और एक न्यू बिगनिंग। एक चीज़ एंड हो रही है आपके रिलेशनशिप से, ये वेटिंग गेम एंड हो रहा है और एक न्यू बिगनिंग हो रही है। क्लैरिफाई पेशेंस। प्लीज़ माइंड जी सैन स्पीड गाइड मुझे बताएं, यहाँ पे पेशेंस का कार्ड क्यों है? क्लैरिफाई पेशेंस। 5 ऑफ वैंड्स। उनको जो भी उनके इर्द गिर्द के लोग मैस क्रिएट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो उनसे फाइट कर रहे हैं,
हर कोई नहीं चाहता आप दोनों को साथ देखना, या आपको उनकी लाइफ में देखना या उनको आपकी लाइफ में देखना। ये फैमिली हो सकती है, कोई फादर फिगर हो सकता है, एम्परर, देखिए मैंने फादर फिगर यहाँ पे एम्परर, कोई फादर फिगर हो सकता है जो आप दोनों को एक साथ नहीं देखना चाह रहा, और हाई प्रिस्टेस, कभी उन्होंने इस बात का जिक्र भी नहीं किया आपसे, कभी उन्होंने ये बात आपको कभी बताई भी नहीं है कि कोई उनका फैमिली मेम्बर आप दोनों को एक साथ नहीं देखना चाहता, कोई फैमिली मेम्बर उनको आप दोनों को एक सेम पेज पे नहीं देखना चाहता, या आपको मैरिज या कमिटमेंट में नहीं देखना चाहता। उनकी जो उनका जो वेटिंग गेम है ये उनका ऐसा हो सकता है, फैमिली से कम्युनिकेशन चल रही है, फैमिली को वो एग्री करना चाह रहे हैं आपको अपनी लाइफ में रखने के लिए, एक लाइफ टाइम के लिए। क्लैरिफाई, रिजॉइस एंड रिजॉइस इन सेलिब्रेशन, प्लीज फाइंड जिसने स्प्रिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए रिजॉइस इन सेलिब्रेशन, क्लैरिफाई करें रिजॉइस इन सेलिब्रेशन को। आपके पार्टनर फाइट कर रहे हैं आपके लिए, मैं आपको ही बता दूँ, वो स्टेबिलिटी देखना देना चाहते हैं आपको, सेलिब्रेशन चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, उनके माइंड में भी स्टेबिलिटी चल रही है, क्योंकि अब वो ऐसा हो सकता है कि उनकी भी शादी की एज और आपकी भी है, आप दोनों को मैरिज कर लेनी चाहिए, आपके पार्टनर के माइंड में चल रहा है कि आपको भी कर लेनी चाहिए, मतलब कि अब टाइम आ गया है हम दोनों कमिटमेंट दें एक दूसरे को। मूव ऑन क्लैरिफाई प्लीज माय जी से स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए मूव ऑन का कार्ड यहाँ पर क्यों आया, क्लैरिफाई मूव ऑन। वो अब अपनी जगह से हिलना चाहते हैं, नाइट ऑफ सोर्ड, तेज़ी से आपकी तरफ, अपने जहाँ भी वो कम्फर्ट जोन से निकल के आपकी तरफ आना चाहते हैं, वो आपकी तरफ एक तेज़ी से कदम बढ़ाना चाहते हैं, वो इसलिए यहाँ पे मूव ऑन। देखें द वर्ल्ड, उनको लग रहा है ये वर्ल्ड, ये साइकिल, बैड साइकिल आप लोगों की एंड हो गई, उन वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए हैं आपके लिए, मून, उनको ऐसा लग रहा है वो आपको खो ना दें, पोजेसिव हो रहे हैं बहुत ज़्यादा इमोशनली, उनका इमोशंस उनके ओवरफ्लो हो रहे हैं आपके लिए, वो आपको एक अपने वर्ल्ड की तरह देख रहे हैं। फाइव ऑफ कप्स, फीलिंग ऑफ लॉस भी है, उनको भी यही लग रहा है कि ऐसा ना हो कि आप मूव ऑन हो जाएं अपनी ज़िंदगी में, आप वेट ही ना करें उनका, आप अपनी ज़िंदगी में रवा दवा हो जाए, आप उनको छोड़ दें। क्लैरिफाई बेस चक्रा, प्लीज माय जी से स्पिरिट गाइड, मुझे बताइए बेस चक्रा को क्लैरिफाई करें, यहाँ पर बेस चक्रा का कार्ड क्यों है। डिसीजन मेकिंग, उनको स्ट्रांग होना पड़ेगा, उनको अपने चक्रास हील करके, उनके चक्रास वीक है, उनको कॉन्फिडेंस नहीं, कॉन्फिडेंस गेन करके उनको चक्रास को हील, उनकी हीलिंग हो रही है, सब कब देखा था हमने, उनकी हीलिंग चल रही है, वो उनको कहा जा रहा है कन्फ्यूजन से बाहर निकलो, डिसीजन मेकिंग करो, वक्त है ये, यही वक्त है। चैरियट, उनको कहा जा रहा है तेज़ी से डिसीजन मेकिंग करो, और देखें कन्फ्यूज रहे हैं आपके पार्टनर, काफ़ी टाइम कन्फ्यूज रहे हैं, उन्होंने कन्फ्यूजन में अच्छा खासा अपना एक हिस्सा गुजारा है लाइफ का, अब उनको कहा जा रहा है कन्फ्यूजन से बाहर निकलो, डिसीजन मेकिंग करो और आगे बढ़ो। एम्प्रेस, वो आपको एक एम्प्रेस की तरह देखते हैं अपनी लाइफ की। चूज़ वाइसली, आपके पार्टनर ने चूज़ वाइसली को क्लैरिफाई करा है एम्प्रेस ने, जो भी च्वाइस थी उसके ऊपर आपको चूज़ कर लिया है। हेरोफेंट, शादी करना चाहते हैं आपसे, मैरिज चाहते हैं। सिक्स ऑफ सोर्ड एंड मेमोरीज ऑफ लव, वो अगर आगे बढ़ना भी चाहें, मेमोरीज ऑफ लव एंड सिक्स ऑफ सोर्ड, वो आपको भूल नहीं पाएंगे। सिक्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, ये आपके लिए सिक्स से कुछ ना कुछ कनेक्टेड हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ, लाइफ पाथ नंबर आपका इस दिन मिले हो सकते हैं, कोई ना कोई हैप्पी मूवमेंट है आपका सिक्स से कनेक्टेड, कोई ऐसा डे नहीं है जो आपको सैड कर दे। आपके पार्टनर मेमोरीज हैं आपके पार्टनर की इस रिलेशनशिप से जुड़ी, वो इसको छोड़ के मूव ऑन नहीं करना चाहते, आपके साथ कनेक्टेड रहना चाहते हैं, आपके साथ बात करना चाहते हैं, आपके साथ एक हीलिंग चाहते हैं, आपके साथ एक मैस से निकल के काम वाटर की तरफ मूव ऑन करना चाहते हैं। ठीक है, तो आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए, आपको खुद को बैलेंस करना चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट होकर कोई भी डिसीजन मेकिंग नहीं करनी चाहिए, वेट करें। आपके पार्टनर को समझ में आ रहा है कि इस रिलेशनशिप में पोटेंशियल है, आपके पार्टनर ने अब आपको चूज़ कर लिया है, अगर पास में च्वाइस रही हैं वो चूज़ नहीं कर पा रहे थे, उन्होंने अपनी सारी च्वाइस में से आपको चूज़ करा है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है होल वर्ल्ड है आप में, आप मैं नहीं है वुमेन है, आपके अंदर उनको पूरे अपना होल वर्ल्ड नज़र आता है, उनको ऐसा लगता है कि कम्प्लीट पैकेज है ये मेरा, मैं इसको नहीं छोड़ सकता, वो फाइट करने के लिए रेडी हैं, अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं, वो उनके अंदर डिसीजन मेकिंग पावर्स नहीं थी उसको गेन कर रहे हैं, उनको डिवाइन गाइड कर रही है, डिसीजन मेकिंग करो, डिसीजन लो और आगे बढ़ो,
वो मूव ऑन, वो अपनी जगह से कंफर्ट जोन को तोड़ कर आपकी तरफ आ रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि लाइफ में बहुत ज़्यादा चॉइसेस हैं, वो स्टेबिलिटी आपको देखना चाहते देना चाहते हैं, आप इस रॉक को देखें, क्लैरिटी स्टेबिलिटी दी एम्प्रेस। ये मैंने वन बाय वन नहीं करा, ऐसे करके क्लैरिफाई नहीं करा, मैं वहाँ से करती भी आ रही हूँ। यहाँ पे आ रही है कम्युनिकेशन, फाइट और डिसीजन मेकिंग। वो इस फाइट को ख़त्म करना चाहते हैं, अगर आप दोनों के बीच कोई आर्ग्यूमेंट है, कोई डिसएग्रीमेंट है, उसको बात करके ख़त्म करना चाहते हैं, डिसीजन मेकिंग करेंगे, आपके पास बात करने आएंगे, आपको क्लैरिफिकेशन देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर है टेन ऑफ पेंटिकल, डेथ और नाइट ऑफ सूट। एक पर्सन एक तेज़ी से एक तरफ बढ़ रहा है, उसको बढ़ना है क्योंकि वो चाहता है, ठीक है। यहाँ पे है टेन ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे डेथ, उनको जो लग रहा है कि एक 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 चीज़ एंड ना हो जाए, उसको वो जल्दी से बढ़कर एक फैमिली एक फैमिली वे में क्रिएट करना चाहते हैं, एक फैमिली बनाना चाहते हैं उस रिलेशनशिप में। तो आपको मूव ऑन नहीं करना चाहिए, वेट करना चाहिए। ये रिलेशनशिप आपकी आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है इन फ्यूचर, ठीक है। कुछ टाइम दें, खुद को हील करें, खुद के ऊपर वर्क करें, सेल्फ वर्क करें, खुद आपने इतना टाइम दिया और टाइम दे के देखें आपके पार्टनर आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है। इस रीडिंग को मैं यहीं तक रखूंगी। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें। थैंक यू।